गुड मॉर्निंग सभी किसान भाइयों, आज आप हम यहाँ पर देख सकते हैं बारी वन स्वीट माल्टा का एक खेत में हम आए हैं। हमारा जो मदर प्लांट था खास करके उसके ऊपर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए फ्रूट हमारा साथ में है। आज हम माल्टा फार्मिंग कैसे करते हैं और साथ ही साथ इसका जो खास कुछ परिचर्चा और किस हिसाब से इसको आप फार्मिंग कर सकते हो उसके ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे मेन बात, अभी ऑल ओवर इंडिया में जितना भी मौसमी का पौधा है उसमें सबसे ज़्यादा जो अभी लार्ज स्केल में यूज़ जो हो रहा है बारी वन स्वीट माल्टा का यूज़ हो रहा है, ये तो आप लोगों का मालूम ही है, ठीक है। और नॉर्मली पहले जो चलता था नॉर्मली आपका जैसे महाराष्ट्र में या फिर दूसरे जगह में नॉर्मल जो मौसम भी चलता था उसमें कई सारा वैरायटी है, बट अभी के टाइम पे बारी वन स्वीट माल्टा बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि इसका जो खास बात है छोटा से इतना छोटा हालत में छोटा से ही फ्रूट इसका मीठा स्वीटनेस रहता था। और कोई भी वेदर टेम्परेचर कितना भी होना दीजिए, मतलब कोई अगर उसके बारी वन स्वीट माल्टा का फ्रूटिंग आएगा तो उसका बहुत स्वीटनेस रहता है। बट इसका आपको मान के चलिए एक साल में दो बार फ्रूटिंग आएगा, एक बार ज़्यादा आता है एक बार थोड़ा कम में रहता है। बारी वन स्वीट माल्टा आप नॉर्मली जितना भी जो हमारा इंडिया में जितना भी क्लाइमेट है खास करके राजस्थान महाराष्ट्र आपका यूपी वगैरह जो है यहाँ पर बहुत अच्छी से खेती किया जा रहा है, ठीक है, सक्सेसफुली खेती हो रहा है। 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर बहुत अच्छा इसका फार्मिंग जो हो जाता है। बारी वन स्वीट माल्टा एक मतलब मान सकते हैं हॉट क्लाइमेट और ड्वार्फ वैरायटी जो रहता है क्योंकि ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा और जैसे आपका उधर क्या रहता है नॉर्मल जो मौसम भी रहता है 5-10 साल बाद नॉर्मली फ्रूट आता है। बट ये बारी वन स्वीट माल्टा आपको क्या है, ये आपको अगला साल से दिखना तो चालू हो जाता है बट हम सजेशन करते हैं 2-3 साल बाद इसको फ्रूटिंग लेने का। और भी बहुत चीज़ में बताएंगे, इधर खेत जो है हमारा पूरा घुमा के आपको दिखाएंगे, ठीक है। आप साइड में भी देखेंगे बहुत सारा जो हमारा पौधा लगा है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रूट आया है। आपको मैं पहले भी एक खास मतलब बताया था कि हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पौधा होता है उसमें से ये क्या है ना, ये देखिए जो डालिया जिसमें से हम नया पौधा तैयार करते हैं उसके लिए कटिंग हो जाता है। तो क्या है ना, पौधे में ज़्यादा आप मतलब देखेंगे ज़्यादा झाड़ नहीं, इधर देखिए इधर का डालिया गायब है, ठीक है ना, इधर का डालिया गायब है इसलिए क्योंकि यहाँ पर सब कलम के लिए हम यूज़ कर लिया है, बराबर ना। अब देखिए मैं दिखाएंगे और भी खेत में दिखाएंगे बहुत सारा फ्रूट आया हुआ है। फ्रूट लेने के लिए कुछ टिप्स ट्रिक्स यूज़ करना होता है। नॉर्मली हम जब भी ऑल ओवर इंडिया में सजेशन करते हैं तो हमारा गाइडनेस रहता है, गाइडनेस बोले तो हमारा जो एक पीडीएफ रहता है पौधे का साथ हमें पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करते हैं जिसमें A to Z गाइडनेस रहता है, कब इसका लगाने का सही टाइम होता है, लगाने के बाद किस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना होता है, मतलब कब खार देना है, कब आपको फ्रूटिंग का जो कटिंग करना है क्रॉपिंग जो करना है उस टाइम कब कौन सी चीज़ में आपको ध्यान रखना होता है। तो बेसिकली मैं थोड़ा आपको आगे लेके आके दिखाता हूँ, इधर मेरा साथ आगे आइए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कुछ जो हमारे यहाँ बहुत सारा जो फ्रूट लगा हुआ है, बहुत सारा फ्रूट जो हमारा सामने लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पौधा जो हमारे साथ में है, यहाँ पर देखिए ये फ्रूट देखिए एकदम सभी का फ्रूट जो एवरेज साइज में है, सभी का एवरेज साइज में है, जितना भी यहाँ पर फ्रूट देख रहे हैं सब एवरेज साइज में है क्योंकि बारी वन स्वीट माल्टा का एक बहुत अच्छा और ख़ास बात क्या होता है ना, फ्रूट जितना भी आप देखेंगे सभी का एक ही साइज में आता है, कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं, मतलब ऐसा आप दूसरे पौधे दूसरा जो मौसमी का या फिर जो पौधा रहता है उसमें क्या होता है ना छोटा बड़ा सब मिक्स में आता है, इसमें क्या रहता है सब एवरेज साइज रहेगा, जो भी आएगा सभी का साइज आपको बराबर का रहता है, ठीक है। और उसके साथ और एक चीज़ ध्यान देने वाला जो होता है इसका बारी वन स्वीट माल्टा का जो लगाने का, अगर बेस्ट टाइमिंग पूछे तो कभी भी आप लगा सकते हैं, इसका लगाने का कोई परफेक्ट टाइम नहीं रहता। परफेक्ट टाइम जो हम जो सजेशन करते हैं वो है जून महीना, मतलब बारिश के टाइम पे आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा पौधे में कितना सारा जो हमारा फ्रूट लगा हुआ है, और आगे आइए मैं आपको और आगे जाकर दिखाता हूँ, थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रूट आने का कोई भी बात नहीं, मतलब आप अगर सही से परवरिश करेंगे तो इधर फ्रूट आने में मजबूर है। बारी वन स्वीट माल्टा एक ग्राफ्टेड और हाइब्रिड पौधा होता है जो हर वातावरण में से मतलब इसका क्लाइमेट में सूटेबल हो जाता है। ऑल ओवर इंडिया इसका फार्मिंग जो ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक हाइब्रिड पौधा होता है। और नॉर्मली देखिए जो किन्नू होता है मतलब ऑरेंज जो होता है, ऑरेंज से काफ़ी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में इस टाइप का मौसमी का क्योंकि इसका सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा देर तक रहता है। और इसका जो एवरेज साइज आप देखेंगे छोटा बड़ा टेढ़ा मोड़ा कुछ नहीं, एकदम राउंड सा क्यूट सा साइज इसका आ जाता है, तो इसका मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड होता है। और ख़ासकर अभी तो कोरोना का जो सीजन जो चल रहा था इस टाइम मौसमी का बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड आया था हमारा इंडिया पे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी मिलता है, ये साइट्रस टाइप का जो फ्रूट है तो इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी मिलती है। यहाँ पर देखिए हमारा नज़दीक में फ्रूट जो आ चुका है,
ऐसे नहीं कि 10 फीट 15 फीट फ्रूट जाएगा। मैं और भी जो ध्यान खींचने वाला जो बात यहाँ पर कह देता हूँ, इतना बढ़िया फ्रूट आने के लिए आपको जो करना क्या है, जो नॉर्मली क्या होता है एप्पल बेल वगैरह में आपको उसमें कभी ऐसा फ्रूट आने के बाद उसका कटिंग किया जाता है डाली का, बट बारहवां स्वीट माल्टा या फिर इस टाइप का मौसम में आपको नहीं करना है। इसमें क्या करना है, पूरा साल ही आपको लमसम फ्रूट कटिंग करना रहता है। मैं इधर एक छोटा सा पौधे के पास खड़ा हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट आया हुआ है। देखिए फ्रूटिंग के कंडीशन में इसका तो बहुत ज़्यादा रैंक है, अभी ऑल ओवर इंडिया में बहुत अच्छा इसका जो रैंक है पौधे के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि कम जमीन पे कम लागत पे कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा कमाई जो इसमें से किसान भाई हमारा कमा रहा है, ठीक है। इसके बारे में और कुछ हम जानकारी देंगे। बारहवां स्वीट माल्टा फार्मिंग करने के लिए जो ज़मीन चाहिए, फिलहाल कोई भी ज़मीन अभी तो सूटेबल है, ठीक है, बट थोड़ा आपको जो ध्यान रखना है पानी आपको ज़्यादा जमना नहीं चाहिए। हमारा बंगाल में बहुत ज़्यादा पानी होता है, पानी जम जाता है, तो इसके लिए क्या है ना, यहाँ पर जो पत्ते में आप देखेंगे पीला पीला पड़ा हुआ है, ये मेनली पानी ज़्यादा जमने की वजह से, ठीक है ना। तो पानी आपको ज़्यादा जमना नहीं चाहिए इसके जड़ में, क्योंकि ये पानी उतना ज़्यादा सहता नहीं है। तो मतलब ये जो एक खास बात क्या है ना, इसका एडवांटेज भी ये है कि जहाँ पर कम बारिश होता है, कम पानी में जो क्षेत्र रहता है, वहाँ पर अच्छा खासा इसका फार्मिंग हो सकता है, ठीक है। और क्या है, और किस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है, इसका जब भी फार्मिंग करेंगे किधर से भी पौधा लीजिए, पौधा आपको जेन्युइन होना चाहिए, 100% ओरिजिनल पौधा होना चाहिए। इसीलिए पौधा लेने टाइम आपको ध्यान किस बात का में रखना है, पौधा जब भी आप लेंगे आपको देखना है उस जिस बंदे से आप ले रहे हैं उसका मदर प्लांट है कि नहीं, और मतलब वेरीफाइड नर्सरी है कि नहीं, ठीक है ना। अगर रिलायबल भरोसा वाला नर्सरी है तो उधर से आप जो प्लांट जो कलेक्ट करके फार्मिंग कर सकते हैं, इसके लिए कोई बात नहीं। और अगर कोई भी कंफ्यूजन रहता है, हम भी ऑल ओवर इंडिया में होलसेल में पौधे का सप्लाई करते हैं, हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिया गया नंबर से। और कुछ में बात इधर कहेंगे, देखिए इसका फ्रूटिंग तो दो साल भर में आ जाता है, इस साल लगाएंगे तो अगला साल आ जाएगा, बट आपको लेना नहीं है, मिनिमम 2 से 3 साल बाद इसको फ्रूटिंग लेना है। यहाँ पर मैं एक फ्रूटिंग आपको कटिंग करके दिखाता हूँ, एक जो उसमें कितना सारा रस जो निकलता है, यहाँ पर आप देखेंगे मेरे हाथ में दो जो एक फ्रूट है मैं ऑलरेडी कटिंग कर लिया है, या मैं इसको दिखा दबाव दे के दिखाता हूँ कितना ज़्यादा जो इसमें रस आता है, और बहुत काफ़ी ज़्यादा स्वीटनेस है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो रस निकल रहा है ऑटोमेटिक, देखिए प्री मैच्योर मतलब अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, फिर भी देखिए कितना सारा जो यहाँ पर इसका रस जो निकल रहा है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा जूस है, बहुत ज़्यादा जूसी है, देखिए थोड़ा ज़्यादा निकल गया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है ना, अगर ये पूरा मैच्योर हो जाता है तो इससे भी कहीं ज़्यादा इसमें से जो जूस निकलता, ठीक है ना। जो इसका जो मेन क्या बात है ना, एक छोटा सा फ्रूट में काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें रस निकलता है, ठीक है ना। तो इसके लिए इसका भी और एक एडवांटेज है जो फार्मिंग करने में बहुत ज़्यादा जो हमारा मुनाफादायक है। तो तभी एक पौधे से आपको करीब 90 से 120-30 किलो तक फ्रूटिंग हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। हाँ ये बात सही है, 110-20 किलो फ्रूटिंग आराम से हार्वेस्टिंग कर पाएंगे अगर 3 से 4 साल का पुराना पौधा होता है तो। जितना पौधा पुराना होगा उस हिसाब से फ्रूटिंग का कैपेसिटी जो बढ़ जाएगा। चलिए वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, फिर से मिलते हैं एक नया वीडियो में नया इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।